हेलो यूट्यूब फैमिली, आज है वर्ल्ड रेबीज डे और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी रेबीज वायरस पे होने वाला है। यकीन मानो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रेबीज वायरस को लेके। लोगों ने बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन मिथ पाल रखे हैं रेबीज को लेके, तो आज वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। अगर आप कम्युनिटी डॉग फीडर हैं या डॉग लवर हैं या डॉग के प्रोफेशन के अंदर है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूनिक और बढ़िया होने वाली है, क्योंकि इसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप कर करके मत देखना, क्योंकि ये बातें अगर आपके काम नहीं आएंगी तो आप एटलीस्ट किसी और को गाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो लोगों ने घर पर पपी नया लेके आते हैं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उन लोगों को होता है। पपी नया लेके आए, वो जगह जगह काटता रहता है लोगों को, और मेरे को लोग ना, मेरे क्लाइंट आगे दिखाते हैं कि जी पपी नया लेके आए थे, उसने बच्चे को यहाँ काट लिया, वहाँ काट लिया, तो उनमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती गाइस। जब भी हमारे पपी इस तरह काटते हैं, वो लव बाइट होती है, वो उनका खेलने का तरीका होता है हमारे साथ, और वो इस तरह से बाइट करते हैं, तो उससे कोई रेबीज वायरस नहीं फैलता। देखो, उसके अंदर रेबीज का वायरस कहाँ से आएगा, हमारे डॉग के अंदर रेबीज का वायरस कहाँ से आएगा? अगर डॉग की कहीं पर स्टे डॉग के साथ या रेबीज वाले डॉग के साथ कोई फाइट हो, तभी उसके अंदर रेबीज आएगा। रेबीज कभी भी ऐसे ट्रांसमिट नहीं होता हवा से, ये हमेशा ऐसे होता है बाइट की वजह से। अगर हमारा पपी एक अच्छे सोर्स से आया हुआ है, जहाँ पर उसके कोई किसी डॉग ने बाइट नहीं कर रखा, तो उसमें रेबीज वायरस कहाँ से आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब रही जो कम्युनिटी डॉग होते हैं, जो हमारे घर के आसपास डॉग रह रहे हैं, अगर पर चांस वो डॉग बाइट कर ले, वैसे तो ये जो कम्युनिटी डॉग होते हैं ये स्ट्रेंजर्स को ही बाइट करते हैं, नॉर्मली आसपास के घर वालों को कभी बाइट नहीं करते, पर बाई चांस किसी डॉग का अगर स्ट्रे डॉग का काटे हुए केस आता है, हम तो हम उसको कहते हैं कि उस डॉग को फीड करो। फीड क्यों करो भाई? वो रिवर्स डायग्नोसिस के लिए होता है कि अगर डॉग 10 दिन तक लाइव रहता है बाइट करने के बाद, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, क्योंकि अगर जिस डॉग के अंदर अगर रेबीज वायरस होगा, उसकी 7 डेज के अंदर डेथ हो जाती है। अगर आपको डॉग ने बाइट कर लिया और उसकी विद इन 7 डेज डेथ हो जाती है, तो हम कहते हैं कि भाई तब सारे इंजेक्शन लगवा लो। इसका भी आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं, क्या है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा लक्षण बताऊंगा रेबीज को लेके भी, हमारे को पता कैसे लगे कि किसी डॉग के अंदर रेबीज का वायरस है। तो गाइस, रेबीज के दो टाइप के सिम्टम होते हैं, दो टाइप की फॉर्म होती है। इनफैक्ट एक होती है फ्यूरियस फॉर्म। फ्यूरियस फॉर्म में क्या होता है कि डॉग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, जो भी आसपास ऑब्जेक्ट होता है उसको काटने लग जाता है, कोई भी चीज़ मुँह के आगे आई उसको काट लेगा, कोई भी चीज़ आई उसको बाइट करने लग जाते हैं, तो ये तो फ्यूरियस फॉर्म होती है। दूसरी होती है डंप फॉर्म। डंप फॉर्म में क्या होता है कि डॉग बिल्कुल ही बिंडहाल हो जाता है, उसकी याददाश्त खो जाती है और वैसे साइड पे बैठा रहता है। दोनों फॉर्म के अंदर एक कॉमन सिम्टम होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि डॉग के अंदर रेबीज वायरस है, वो है उसकी जॉ। जो सा जॉ होता है उसका पैरालिसिस हो जाता है, जो नीचे वाला मुंह है वो खुला ही रह जाता है रेबीज वाले वायरस का, और एक्सेसिव सेलिवेशन होती है, ड्रूलिंग होती रहती है। ये दो सिम्टम होते हैं जो हमारे को यूनिक बता देते हैं कि हमारे किसी कम्युनिटी डॉग के अंदर रेबीज का वायरस हो गया है। वैसे अगर जो रेबीज वाले डॉग होता है उसका पता लग जाता है, अगर आपको कोई डॉग काटता है और वो आपको ही काटा है सिर्फ और किसी को नहीं काटा, तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है रेबीज होने की। जो रेबीज वाला डॉग होता है वो कईयों को काट लेता है, पूरे एरिया में पता लग जाता है कि इस टाइप का वहाँ पर डॉग घूम रहा है। तो सभी लोगों को हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। अब वैक्सीनेशन भी गाइस दो टाइप की होती है, एक तो जो रेबीपूर वगैरह के इंजेक्शन आते हैं, जो उसे पोस्ट बाइटम शेड्यूल फॉलो करते हैं, उसमें भी शेड्यूल ऐसा रहता है 0 डे, 3rd डे, 7 डे, 14 डे, 28 डे, इस टाइप का शेड्यूल रहता है पोस्ट बाइट इंजेक्शन का। उससे भी एक एडवांस आजकल इंजेक्शन आ गए इम्यूनोग्लोबुलिंस, जो रेबीज के इम्यून्स होते हैं। तो रेबीज के इम्यून्स का ये फंडा होता है कि जहाँ पर डॉग ने बाइट किया उसी साइट के चारों तरफ लगाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिंस। थोड़ा कॉस्टली होता है पर इफेक्टिव रहता है। अगर आपको कन्फर्म हो कि आपके डॉग ने जिसने बाइट किया उसके अंदर रेबीज है, तो कृपया करके ये पोस्ट बाइट वाले इंजेक्शनों पर विश्वास न करो, आप इम्यूनोग्लोबुलिन पे काम करो। इम्यूनोग्लोबुलिन का फंडा यह है कि वो 8 घंटे में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसलिए कभी भी आपको कंफर्म हो कि इस डॉग ने बाइट किया और उसको रेबीज है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन लगाएं। अब मैं आपको कुछ फर्स्ट एड बताता हूँ कि कभी भी आपको डॉग ने बाइट कर ले तो सबसे पहले आपने क्या करना है। ये बात अगर आप पे लागू नहीं होगी तो आप किसी को एटलीस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, तो इन बातों को ध्यान से सुनो, और कभी आपको किसी बंदे के साथ ऐसा होता है तो उसको सजेस्ट जरूर करना। जैसे ही डॉग ने बाइट किया, मान लो हाथ पे बाइट किया या टांग पे बाइट किया, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि डॉग का सीवियरिटी भी डिपेंड करती है कि डॉग ने बाइट कहाँ की है। अगर मान लो टांग पे बाइट किया है वो कम सीवियर है, अगर फेस पे बाइट किया वो ज़्यादा सीवियर है। रीज़न उसका ये होता है कि जो रेबीज वायरस है वो जाके ब्रेन में काम करता है और वो स्लो मूव करता है। रेबीज वायरस नर्व्स के थ्रू ट्रेवल करता है, जो हमारी नर्व्स होती हैं
उसके थ्रू ट्रेवल करता है और इसकी ना स्पीड बड़ी कम होती है, 1 mm पर डे इसकी स्पीड होती है चलने की। तो अगर टांगों पे काटा है तो हो सकता है कि अगर रेबीज वाला डॉग भी अगर आपको बाइट कर गया तो हो सकता है कि उसका इफेक्ट 3 या 4 साल के अंदर आए। और अगर आपके फेस पे काट गया, माउथ पे काट गया, नोज पे काट गया, नोज से ब्रेन का डिस्टेंस बहुत कम है तो हो सकता है कि वो 5 या 7 दिन के अंदर भी पहुंच जाए उसके अंदर। तो सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है कि डॉग ने बाइट कहाँ किया। अगर आपके पैर पे काटा है तो बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, फेस पे काटा है तो वो सीवियर है। और दूसरा, अब जैसे डॉग ने आपको बाइट कर लिया, अगर रेबीज नॉर्मली भी आपको डॉग ने बाइट कर लिया, रेबीज है या नहीं है, अगर डॉग ने बाइट कर लिया तो उसको आपने पहले हार्ड सोप से क्लीन करना है। हार्ड सोप में क्या आता है, जैसे रिन साबुन होते, कपड़े धोने वाले साबुन होते जितने भी, वो आपने साबुन यूज़ करना है और उस पर रगड़ना है अच्छी तरह वुंड पे, और उसके ऊपर रनिंग वाटर चलते रहने दो, पानी उसके ऊपर बहने दो। ये रनिंग वाटर का कंसेप्ट ये होता है कि थोड़ा बहुत ब्लड अगर निकल जाता है तो वो अच्छी बात होती है जहाँ उसको रेबीज वाले वायरस को। और लोगों ने कुछ ना मिसकंसेप्शन बना रखे हैं, वो मिर्चे बांध देते हैं और उस टाइप के, ये कोई भी वर्क नहीं करती चीज़ें। आपने जब भी कभी वायरस डॉग ने बाइट किया, साथ साथ उसको रिन साबुन से धो और उस पर रनिंग वाटर चलने दो, 10-15 मिनट पानी बह जाएगा उसके ऊपर, तो रेबीज का वायरस इतना फ्रेजाइल होता है पानी से ही वॉश आउट हो जाता है, तो कोई बोदर करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये कुछ लोग पट्टियाँ बांध देते हैं मिर्चों की और वो नमक की मिर्चों की, इस टाइप का करना नहीं चाहिए। कभी भी काटे हुए डॉग की जो साइट है उसको कभी भी ढकना नहीं चाहिए, ये सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है। कभी भी डॉग काट ले तो उस पर सिंपल आप क्लीन करके रनिंग वाटर में वो करके उस पर बीटाडीन अप्लाई कर दो, वो सबसे अच्छा काम होता है रेबीज वायरस को लेकर। तो गाइज आप कुछ बात कर लेते हैं हमारे डॉग के अंदर रेबीज वायरस के जो से रेबीज के इंजेक्शन के शेड्यूल को लेके। तो जो पपी वैक्सीनेटेड होते हैं, जिनके मदर फादर दोनों वैक्सीनेटेड होते हैं, उसको फर्स्ट शॉट हम 90 डेज पे लगाते हैं, उसके बाद 21 डेज के बाद उसका बूस्टर रिपीट होता है, और उसके बाद हर साल उसका बूस्टर रिपीट होता रहता है जब तक लाइफ लॉन्ग, जब तक हमारा डॉग लाइव रहता है, हर साल एक एक इंजेक्शन लगता रहता है। अब ये भी एरिया टू एरिया वेरी करता है, जहाँ पर रेबीज के ज़्यादा केसेस हैं, रिपोर्टेड हैं कि वहाँ रेबीज के डॉग बहुत ज़्यादा मिले, इस टाइप का कोई एरिया है, ये एरिया रिमार्क मार्क्ड हो जाता है जहाँ पर ज़्यादा रेबीज के केसेस हैं, और आप अपने डॉग को डेली बार घुमाने लेके जा रहे हो तो उसका ज़्यादा चांस है रेबीज वायरस को पिक करने का। तो इस टाइप के जो डॉग हैं उनमें आप 6 मंथ पे कर दीजिए। जो डॉग इंडोर ही रहता है, घर के अंदर ही रह रहा है, वो बाहर जा ही नहीं रहा, उसमें रेबीज का कहाँ से आएगा, तो उसको 1 या 2 साल बाद भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं होता कि हमने जो वैक्सीन लगाई उसकी 1 साल की कोई वैलिडिटी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता भी। जैसे आज इंजेक्शन लगा तो 1 साल के अंदर एग्जैक्टली उसको 1 साल बाद लगना चाहिए बूस्टर। बूस्टर लगाने का पर्पज़ ये होता है कि जो डे टू डे लाइफ में गर्मी लग रही है डॉग को, सर्दी लग रही है, किसी भी टाइप की स्ट्रेस में आ रहा है डॉग, तो उसका इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। बूस्टर लगाने से वो इम्यूनिटी लेवल पूरा उसके बराबर आ जाता है, तो हमारे डॉग में रेबीज होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो कभी भी अपने घर का डॉग आपको काट लेता है तो कोई बोदर करने की ज़रूरत नहीं। अगर काटने के बाद 7 डेज के या 10 डेज के बाद डॉग की डेथ हो जाती है तो वो वरी की बात है। अगर ऐसा कभी होता है तो आप अपना पूरा शेड्यूल फॉलो कराओ, अपने जो डॉक्टर हैं ह्यूमन के डॉक्टर उनसे ज़रूर दिखवाओ, बाकी इन चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, कोई कम्युनिटी डॉग भी काट लेता है। दूसरा एक और बात, और मैं जो एनजीओ वाले हैं जो कम्युनिटी डॉग को फीड करते हैं उनके लिए खासकर कहना चाहूँगा, कभी भी आपके हाथ पे या किसी भी मतलब जगह पे वूंड हो रखा है तब आप उनको ज़्यादा टच मत करें, क्योंकि कट के थ्रू वायरस का फैलने का ज़्यादा चांस रहता है। और जब भी किसी जो अनवैक्सीनेटेड डॉग है उसको आप टच करो तो साथ के साथ हैंड वॉश जरूर करना चाहिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये दोनों इंस्ट्रक्शन आपने हमेशा याद रखनी है जो भी लोग कम्युनिटी डॉग को फीड करते हैं। तो इसी के साथ गाइस मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चन है रेबीज को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। जो ये डॉग को जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने चैनल साथ के साथ सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, और जिनको ये वीडियो पसंद आई है उन्होंने क्या कमेंट करना है, लव यू डॉक्टर, क्योंकि मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मेरे साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, वीडियो देखते रहिए, थैंक यू।